हेलो नमस्कार वेलकम। आ चुकी है एक और नई वैकेंसी और नए विज्ञापन के साथ नई अपडेट हम फिर से देने वाले हैं। हमने इसके ऊपर पहले एक बार फिर से बात की थी, यानी कि बात की थी अप्रैल में, और उस टाइम काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और काफ़ी लोगों ने उसमें आवेदन भी किया था। उसके बाद एक और नई, यानी कि वो अलग संस्था है, ये अलग संस्था है, यानी कि राज्य के, भारत के अलग अलग राज्यों से निकली हुई अपडेट होती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये एक अलग राज्य से हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, और आपको बता दें इसमें टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें जारी हुई है। तो आप टेक्नीशियन की या टेक्नोलॉजी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल की पोस्टें हैं। उम्मीद करूंगा काफ़ी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे और इसे शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, और आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे पूरे प्रूफ के साथ, ऑफिशियली वेबसाइट की हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करना है और वेबसाइट से ही आपको पूरी अपडेट देंगे। जो भी किसी भी संस्था का अगर आपको देखना है तो सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करें और उसके बाद फिर बिलीव करें। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसकी हम बात कर रहे हैं, NIFT की रिक्वायरमेंट है, न्यू रिक्वायरमेंट है, जिसका नया विज्ञापन जारी हुआ है, फिर से अपडेट की गई है। इसमें पोस्टों की संख्या SC, ST, OBC, EWD और जनरल कैटेगरी की यहाँ पे अपडेट कराई गई है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल से लेके पोस्टें हैं, इसमें डिप्लोमा की पोस्टें हैं, इसमें 10वीं MTS की पोस्टें हैं, लो कलरक डिवीजन की पोस्टें हैं, और बात की जाए इसमें ड्राइवर की भी पोस्टें हैं। तो ड्राइवर वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ITI की एक पोस्ट है और एक पोस्ट के लिए इसमें वेडिंग वाली, फैशन वेडिंग वाले डिजाइनर की मांगी गई है। फैशन डिजाइनर वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ITI की पोस्ट। ये बाकी चीजें, बाकी डिटेल्स अपन विज्ञापन के तहत बात करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की जो अपडेट दी है मैंने एक छोटी सी अपडेट दी है ताकि आप लोग इसे समझ सके। अब इसमें बात करें आवेदन के बारे में, इसमें भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि एक संस्था है और इसमें एकदम गवर्नमेंट रेगुलर बेस पे नौकरी दी जाती है, जिसमें आप लोग सभी आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं JK, यानी कि जम्मू कश्मीर से निकली हुई वैकेंसी है, और इसमें आपको बता दें नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली हुई है। पहले अप्रैल में जो अपडेट हुई थी वो दिल्ली से निकली हुई थी, यानी कि दिल्ली डिपार्टमेंट से, सेंट्रल दिल्ली से निकली हुई वैकेंसी थी। अब जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी हम बात करें JK, यानी कि जम्मू कश्मीर से, इसका नया विज्ञापन है जिसकी अपडेट या फिर आवेदन की बात करें, ये 20 अगस्त तक आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं, और आवेदन या विज्ञापन की बात करें तो ये करीबन 24 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। अब आपको कहां देखना है, प्रूफ के साथ देखना है तो आप एम्प्लॉयर यानी कि रोजगार समाचार पत्र में जाके देख सकते हैं। रोजगार समाचार पत्र की बात करें 24 और 25 जुलाई के वाले विज्ञापन को जाके देख सकते हैं। अब इसमें SC, ST और OBC कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज की यहाँ पे वैकेंसियाँ अपडेट हुई है, जिसमें बात की जाए स्टेनो ग्रेड सेकेंड, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग और लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट की ये सारी पोस्ट इसमें दी हुई है। जैसे कि पिछली बार अप्रैल में जो वैकेंसी निकली हुई थी 7/5/2021 की, जिसमें यही वैकेंसियाँ थी, और अब उन्हीं के अंदर फिर से पोस्ट बढ़ाई गई है। पोस्ट की बात करें तो ये देखिएगा असिस्टेंट एडमिनिस्टर, असिस्टेंट फाइनेंस विभाग, असिस्टेंट वेंडर जो सिर्फ ITI वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे, मैकेनिकल मशीन्स जो ITI की पोस्ट होगी जिसमें जर्नल की एक पोस्ट है, लेवल 4 के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि फोर्थ ग्रेड की यहाँ पे वैकेंसी अपडेट हुई है। इसमें बात की जाए नर्सिंग विभाग की या फिर लेबोरेटरी की या फिर जूनियर असिस्टेंट की या लैब असिस्टेंट FD, FC, IT, यानी कि सबकी पोस्टें इसमें अपडेट कराई गई है। पोस्टों की बात करें 21 है, पहले की पोस्टों की बात की जाए तो 110 के आसपास थी अप्रैल में, उन्हीं पोस्टों में इसको कन्वर्ट यानी कि जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद एग्जाम इनकी सबकी एक साथ होने वाली है। एग्जाम की बात करें अगर आप इसे 20 अगस्त से पहले फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो इसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर तक इसका एग्जाम है ना होना तय है। इसी दौरान जिन्होंने पहले इसमें फॉर्म फिल कर दिया वो दोबारा नहीं भर सकेंगे, एक बार ही फॉर्म आवेदन होगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो पहले जिनके पास पुराना वाली वैकेंसी में भी आवेदन करना है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी फॉर्म अभी भी आवेदन हो रहा है। अब बात करें वेबसाइट के ऊपर, ये देखिएगा एक पेज का पूरा विज्ञापन है, और पूरा विज्ञापन यानी कि पूरी डिटेल्स देखनी है तो आपको पूरा विज्ञापन देखना होगा, उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पे देखिएगा
करियर पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग विज्ञापन हैं जिनके कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ एग्जाम्स अपडेट हो रही है, या फिर कुछ की बात की जाए तो यहाँ पे अभी शेड्यूल कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है एडमिट कार्ड वगैरह, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपडेट कराई जाएगी। तो हम बात कर रहे थे विज्ञापन के बारे में और यहीं से आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे अलग अलग विज्ञापन हैं और जिनका अभी जो जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें अपडेट प्राप्त करनी है, तो आप वो भी यहाँ पे से देख सकते हैं। और कुछ वैकेंसियाँ हैं उनकी मैं अपडेट दूँ तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अपन बात करें BEL यानी कि भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में अप्रेंटिस की वैकेंसी अपडेट कराई गई है। जो भी विद्यार्थी अगर आवेदन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर आपके पास उसमें भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और बात की जाए टेक्नीशियन की पोस्ट हैं SI के अंदर, कॉन्स्टेबल वगैरह इनकी भी पोस्ट अपडेट करवाई, करीबन 2600 पोस्ट हैं जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें भी IT टेक्नीशियन सपोर्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, इनकी सबकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर इसका विज्ञापन आपको देखना है तो ज़रूर कमेंट में लिखें। ये निकली हुई है पंजाब राज्य से, तो भारत के विद्यार्थी जो भी अगर पंजाब राज्य के रहने वाले हैं खासकर उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, और अदर राज्य वाले करना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी गवर्नमेंट के जरिए। तो ये बेसिक डिटेल है, उम्मीद करेंगे सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।